दर्शकों, आज का विषय है नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा का महत्व। विद्या धन सबसे बड़ा धन है। शिक्षा समाज को हमेशा ही अंधेरे से उजाले की ओर लेकर के जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का वक्त, आज दुनिया में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा हो रही है, उसमें शिक्षा के साथ साथ जो तकनीकी शिक्षा है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसे में आज का हमारा विषय यही है कि नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा, उसका कितना महत्व बढ़ाया गया है, कितना युवाओं तक पहुँच पा रहा है और कितना और ज़्यादा पहुँचने की ज़रूरत है। तो आइए, बिना देर किए मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा जी। आप डायरेक्टर हैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज के। आप IIT मद्रास के प्रोफेसर भी हैं और साथ ही 3 और इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर भी हैं, जिसमें IIIT इलाहाबाद, NIT भोपाल, IIIT भोपाल शामिल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आपके जैसे अनुभवी व्यक्ति हमारे मंच पे जब भी आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी। दर्शकों, एक और जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे पास मंच पर एक बेहतरीन कवि मौजूद हैं, कमल किशोर भावुक जी। बहुत बहुत स्वागत कमल किशोर जी आपका, और आपसे हम बेहतरीन कविताएं सुनेंगे शिक्षा पर। सर, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारा आज का विषय नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा का महत्व है। शुरुआत में ये समझना चाहेंगे, नई शिक्षा नीति क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, और इसमें जो तकनीकी पक्ष है उसमें कितना जोर दिया गया है? देखिए, अगर हम अपने पिछले वर्षों को, दशकों में शिक्षा को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमने शिक्षा नीति बनाई उसमें बुक नॉलेज पे ज़्यादा जोर दिया, और हमने जो टेक्नोलॉजी पार्ट था उसको सीमित रखा। अब ये जो नई शिक्षा प्रणाली में क्या होता है कि जो तकनीकी पार्ट है उसको भी हमने शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का कार्यक्रम किया है, मतलब उसमें पहल की है। पहल का मतलब ये होता है कि पहले कुछ इंस्टीट्यूट ही बनाए गए थे जिसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बना करके उनमें टेक्निकल पीपल को तैयार किया गया था, स्टूडेंट्स को। अब क्या हो रहा है कि शुरुआत से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि लड़का जो है उसकी जो क्षमता है उसको हम शुरू से ही परख सकें। तो ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जो ये शिक्षा नीति में बदलाव आया है, इससे हमें देश में कुछ वर्षों में इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब आप सोचिए कि एक लड़का जब प्राइमरी स्कूल में जाता है, इसका मतलब वही नहीं कि वो डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा। हमें ये देखना है कि उस छात्र में क्या योग्यताएं हैं कि जिसको हम निखार सकें, और शिक्षा नीति उसी का ये पहल है कि हम उस लड़के को जो उसमें गुण हैं उसको शुरू से पहचानना शुरू करें और उसमें ही कोशिश करें, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो डॉक्टर पढ़ने की क्षमता हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में जाना हो, उन सबको हमें पहचानना है, क्योंकि हमें सभी वर्गों के लोगों की ज़रूरत है। हम एक वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण नहीं दे सकते हैं। तो ये जो नीति जो बनी है वो ऐसे ही बनी हुई है। बिल्कुल सर, अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो जो शिक्षा का मूलभूत ढांचा है, जिसमें शुरुआत से लेकर प्राइमरी तक की एजुकेशन, फिर जो आपका हाई स्कूल इंटर होता है, फिर हायर एजुकेशन, अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। लेकिन जब एक युवा रोज़गार की तलाश में जाता है तो मुख्य रूप से फोकस अगर उसके कौशल पर किया जाए, उसके तकनीकी पक्ष पर किया जाए, तो उनमें कितने बदलाव आए हैं? अब देखिए, जैसे आपने कहा, मैंने शुरू में ये बोला कि हमें लड़कों को ये पहचानना है कि उसका रुझान किस तरफ है। अब जो तकनीकी शिक्षा का जो इंटीग्रेशन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हम बच्चे को शुरू से समझाएं। जैसे हम कोई स्कूल बनाएं तो उसमें केवल किताबी ज्ञान ना दें, बल उसमें कुछ ना कुछ हमें इनोवेशन करने की कोशिश करें, कुछ हमको प्रैक्टिकल उसमें ऐड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल वो नहीं कि लाइब्रेटरी में जाके करें, वो जाके फील्ड में काम करें, देखें। तो ये जो चीज़ें इसमें इंटीग्रेट की गई, जैसे आप अगर हॉस्पिटल का जाके देखें, अगर हाई स्कूल के बच्चे या 7वीं 8वीं के बच्चे किसी स्कूल में जाके देखें, किसी बड़े संस्थान में जाके देखें, किसी इंडस्ट्री में जाके देखें वहाँ कैसे काम होता है, कौन सी मशीन है, किसी और मैन्युफैक्चर में जाके देखें, तो उनका जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ेगी और वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे वो लड़के कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। अब जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम देखें कि हमें धान की पैदावार ज़्यादा करनी है, हम किताबी ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई ऐसी फील्ड बनाएं जहाँ पे बच्चे जाके देखें, हाँ ठीक है, 4 महीने वहाँ हर महीने जाके देखें जो उसने जो धान लगाए हैं वो ग्रो कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं,
पानी कितना है, मिट्टी कैसी है, अगर हम ये चीज़ उनको बताएंगे तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह हर सेक्टर में हमको करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अगर बात करें टेक्नोलॉजी की तो प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनसे अपने क्लासरूम्स को लैस करने की बहुत ज़रूरत है। हाँ। इस फेज में कितना बदलाव किया गया? देखिए, अब जो हम लोग पहले चौक और डस्टर से पढ़ाते थे वो टू डायमेंशनल होता था, मीन्स अब क्या हो रहा है कि हमको लड़कों को वो चीज़ भी दिखानी है जो हो रही है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम मूव करें तो हम अपने जो पढ़ाई के रूम जो होते हैं उनको हम सीधे लेबोरेटरी से जोड़ सकते हैं, और उनमें जैसे हम पढ़ा रहे हैं कि ए प्लस बी यार कुछ रिएक्शन हो रहा है, कुछ इसको हो रही है, तो हम सीधा जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसको सीधा क्लासरूम में दिखा सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ यू नो जैसे आप पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो जो मन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो सीखने की क्षमता होती है उसे बहुत बढ़ा देते हैं। अब यही चीज़ हमारे जो पुराने शास्त्रों में जब हमारे थे, गुरुकुल थे, या जो हमारे पुराने यूनिवर्सिटी से तक्षशिला थी, नालंदा थी, विक्रमशिला थी, उनमें क्या होता था कि लड़के पढ़ने के साथ साथ वो देखते भी थे चारों तरफ कि उनके क्या हो रहा है। तो जो नॉलेज गेन करते थे वो केवल पढ़ने का ही नहीं बल्कि जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसको भी देखते थे, इसलिए उनमें सीखने की क्षमता ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल सर, हम नई शिक्षा नीति में बात कर रहे हैं तकनीकी शिक्षा की। आज का वो दौर है कि छोटे बच्चे, उन्हें थोड़ी समझ आती है, वो एंड्रॉयड फ़ोन, टच फ़ोन, इंटरनेट सबका बहुत आराम से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि अगले 10 सालों में बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जो मैनुअल हैं जो ख़त्म हो जाएंगी, वो रोबोट्स नौकरी करेंगे। तो ऐसे में बच्चों को जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं उनसे अवेयर करने, उनसे पहचान कराने की बहुत ज़रूरत है। कितना इस फील्ड में हम लोग फोकस कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और सवाल इसलिए अच्छा है कि जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है पूरे संसार में, उसको हर वर्ग तक पहुंचाना, कैसे वो पहुंचाया जाए, ये आप भूल जाइए कि हमारी जॉब ख़त्म हो जाएंगी। जॉब और बढ़ेंगी लेकिन उनका दायरा अलग हो जाएगा। हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ हमें हार्डवेयर इंजीनियर भी चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए कि हम कैसे उसको विकसित किया जाए, कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाए, तो वो जो रिसर्च होती है उसमें भी लड़के चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक एंड्रॉयड फ़ोन आने से उनका कम्युनिकेशन से, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऐसी फील्ड है और कंप्यूटर साइंस जो पिकअप कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जैसे पार्ट्स बनाना, किस मटेरियल का पार्ट बनाना, मटेरियल कहाँ से आइसोलेट करना, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं ना। अगर हम सेमी कंडक्टर बना रहे हैं तो सेमी कंडक्टर तो बन तो गया, लेकिन बनाने के पीछे जो बनाने का जो तरीका निकाला गया, उसमें जो केमिकल यूज़ किए गए, उसमें जो मिनरल्स यूज़ किए गए, वो भी तो चाहिए होता है। तो वो सब चीज़ों के भी जॉब निकलेंगी। अब जैसे हम एक सिंपल सी बात बताएं कि किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे? इंफॉर्मेशन बुक से आएगी, या अब बुक्स का माध्यम खत्म हो गया इसलिए अब फ़ोन में आ जाती है, टैबलेट्स में आ जाती है, कंप्यूटर्स में आ जाती है। तो बुक्स धीरे धीरे ख़त्म होकर एक दूसरा प्रारूप उसका आ गया है, तो अब डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, उसमें हम पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद हमें देखना पड़ेगा इनोवेशन के लिए क्या किया गया। इनोवेशन के लिए हमें पढ़ने के लिए जो हमारा आया, अब इनोवेशन के लिए हमें इंडस्ट्री भी बनानी है, तो हमें एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने हैं। तो आज की जो शिक्षा नीति है वो होलिस्टिक है कि आदमी के बच्चे को ऐसा बनाया जाए कि वो स्वावलंबी बने और दूसरा रोजगार दे सके दूसरों को और रोजगार सृजन कर सके, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। हमारे साथ स्टूडियो में दर्शकों कमल किशोर भावुक जी भी जुड़े हुए हैं। कमल किशोर जी, हमारा आज का विषय शिक्षा से ही संबंधित है, आप क्या कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं आज? जी दोस्तों नमस्कार। वास्तव में आज का विषय बहुत ही उपयोगी है, सार्थक है। शिक्षा हमारे जीवन के लिए कुछ इस प्रकार है कि शिक्षा में ही वो सामर्थ्य है कि शैतान को इंसान और इंसान को भगवान बना सकती है, हमें हर व्यक्ति से जोड़ सकती है, अपने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। तो आइए कुछ पंक्तियाँ इसी संदर्भ में आपके सामने रखता हूँ कि प्रगति चेतना में हंसें, प्रगति चेतना में हंसें, पग पग पुण्य पढ़ाओ, प्रगति चेतना में हंसें, पग पग पुण्य पढ़ाओ, शिक्षा में होते अगर आवश्यक बदलाव, शिक्षा में होते अगर
आवश्यक बदलाव जहां योग्यता का उचित, जैसा सर ने भी कहा कि जहां योग्यता का उचित होता है सम्मान, जहां योग्यता का उचित होता है सम्मान, उस दुनिया में हर घड़ी मुस्काता दिनमान, उस दुनिया में हर घड़ी मुस्काता दिनमान। अगर नहीं हम चाहते, अगर जीवन को सहज बनाने का शिक्षा से के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं, कि अगर नहीं हम चाहते व्याधि अनेकानेक, शिक्षा से जुड़कर करें इच्छा का अभिषेक, शिक्षा से जुड़कर करें इच्छा का अभिषेक। और जहां कहीं संकल्प के डिग जाते हैं पांव, जहां कहीं संकल्प के डिग जाते हैं पांव, वहीं लुटा करते सदा आशाओं के गांव, वहीं लुटा करते सदा आशाओं के गांव। वह दुनिया तो हो गई, वह दुनिया तो हो गई भावुक ज्योतित झील, वह दुनिया तो हो गई भावुक ज्योतित झील, जब 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 जगमग हुई है शिक्षा की कंदील, बेहतरीन, जब जब जगमग जगमग हुई है शिक्षा की कंदील। और शिक्षा ऐसा नहीं है कि समय के अनुसार अपने ताने बाने में, नए तेवर में, नए कलेवर में हम सबके सामने आती रही और आती रहेगी, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो भंगिमा में अभी भीगना शेष है, आचरण के चरण सींचना शेष है, ये न समझें कि सर्वज्ञ संपूर्ण हैं, आखिरी सांस तक सीखना शेष है। बिल्कुल, और इसी सीखते रहते को हम लोग शिक्षा कहते हैं, जीवन कहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सीखने की इच्छा हमेशा ही इंसान में रहनी ही चाहिए। सर, हम आपसे लगातार बातें कर रहे थे टेक्नोलॉजी के ऊपर। आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कहीं भी देखें, एक छोटा सा ड्रोन जो कि शादियों में या तमाम फंक्शंस में वीडियो बनाने से लेकर के हमारे सरहद पर सुरक्षा करने तक, निगरानी करने तक हमारी मदद करता है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, इससे लोगों को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोज़गार सृजन जो है उनकी ज़रूरत है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, बहुत ही ये महत्वपूर्ण विषय है कि एक सब्जेक्ट डेवलप हो रहा है, ड्रोनोटिक्स। अब ड्रोनोटिक्स का मतलब होता है कि ऐसे यंत्र का विकास किया गया है जिससे मानव रहित वो उड़ेगा, और उड़ने के साथ साथ वो चारों तरफ के एरिया को वॉइस में भी ऐसे और फोटोग्राफी में भी वो उसको उसमें ग्रहण करने की क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान ये रहेगा कि वो उसको कैसे सही रूप में संचालित किया जाए और सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही ढंग से उसको फोकस करके उनको कैप्चर किया जाए। तो ये जो डेवलपमेंट है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल यही रहेगा कि हम उसको कैसे विकसित करें ताकि उसमें अनियंत्रित यंत्र को नियंत्रित किया जा सके बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के, और उसमें पहले से ही हम प्रोग्राम डाल दें कि हमको ये चीज़ चाहिए, इस समय पे ये चाहिए, इस समय पे हमें ये करना है, इस समय हमको फोटोग्राफी करना है, इस समय हमको वीडियोग्राफी, इस समय इतने फीट पे जाना है, इस समय इतने फीट का हमें लेना है। तो हमें जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसकी जानकारी मिलेगी। अब ड्रोन जो है वो केवल शादी ब्याह में नहीं लगता है, ड्रोन का जो उपयोग है वो बहुत सारी चीज़ों में होता है। ड्रोन का वेदर में भी है, ड्रोन का रक्षा में भी है कि बॉर्डर किस देखता है, इवन सी में जो मैनग्रोव्स हैं उनका मूवमेंट कैसे हैं, सी में जो हमारे तटीय एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, उनमें क्या क्या इरोजन्स हो रहा है उनको स्टडी सामने किया। इसमें क्राउड कंट्रोल भी देख सकते हैं कि क्राउड कहाँ पे ज़्यादा हो गए, इसमें रोड मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, वर्क भी देख सकते हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी हम देख सकते हैं कि सही है गलत है। तो इसमें जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो ऐसे प्रोग्राम बनेंगे कि जो हर चीज़ को एक कस्टमाइज वे में उसको हम उससे कर सकें। तो ये ड्रोन की बहुत बड़ी, और ये सब्जेक्ट जो है आर्टिफिशियल ड्रोन में और रोबोटिक्स में वो भी बहुत आगे आ रहा है। अब देखिए इसका ज़मीनी स्तर पे क्या यूज़ हो रहा है। एक तमिलनाडु में एक किसान है, उसको नहीं पता है ड्रोन क्या होता है, लेकिन उसको अगर पेस्टिसाइड स्प्रे कराना है तो वो एक वहाँ पे एक संस्था बन गई जो केवल ड्रोन को किराए पे देती है, और वो पेस्टिसाइड को वो बता देता है कि इतना हमको पेस्टिसाइड कराना है, जहाँ ड्रोन जाके वहाँ पेस्टिसाइड कर देता है। अब उसको नहीं पता है क्या है, उसने दिया पैसे, दिया उसका काम हो गया। जो काम
उसको मैनुअल करना पड़ता था, वो द्रोण 10 मिनट में करके दे देता है जिसमें 3 या 4 दिन रहते हैं। तो आप देखिए उसकी योग, उसका जो पहुंचाने का तरीका है, एक जमीनी स्तर पे भी द्रोण काम कर रहा है, और वसते रक्षा में, शिक्षा में, उसमें वेदर मैपिंग में, कोस्टल एरिया मैपिंग में, उसमें करने के अलावा भी क्राउड कंट्रोल में। तो देखिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और इसमें ये नहीं कि हमें केवल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, हमें हार्डवेयर भी तो बनाना है कि ड्रोन कितना शक्तिशाली बने, कितना पावरफुल बने, कितना वो वेट ले सकता है, कहाँ वो जा सकता है, और उसमें हम कैसे कैसे करेंगे ताकि वो गिरे नहीं, किसी को हर्ट नहीं करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए उसने बचने की क्षमता हो। तो दैट इज अ वे वी हैव टू डेवलप दोस थिंग्स, मतलब वो हम करेंगे। बिल्कुल सर, अगर बात चली है सेमीकंडक्टर चिप्स की या ड्रोन्स वगैरह की, तो जो हायर एजुकेशन होती है उस पर फोकस किया जाता है। इसमें हमारे देश के जो तमाम IIT IIMs हैं उनमें हम हायर एजुकेशन की तरफ जब बात करते हैं, देखते हैं, तो उनका रुख करते हैं। हमारी जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो टेक्निकल लेवल पर जो चेंजेस किए गए हैं, हमारे इन बड़े संस्थानों पर क्या असर पड़ा है उसका? नहीं, बड़े संस्थानों पर उनका असर नहीं पड़ा, उनमें क्या कहते हैं चेंज हुए हैं वो अच्छे के लिए चेंज हुए। अब देखिए मैं बताते हैं कि ये जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर लड़का पढ़ना चाहे और पढ़ने की क्षमता ना भी हो, अगर थोड़ी सी भी क्षमता है तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि जैसे आपने एडमिशन ले लिया, आपने कहा कि भाई हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, और आप में कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं, तो आपको एक साल के अंदर, जैसे 4 साल में BTech का एडमिशन होता है, तो उसमें जो एग्जिट एंड एंट्री प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे हैं। तो लड़का अगर एक साल के बाद जाना चाहे लेकिन सर्टेन ग्रेड पॉइंट के बाद वो एग्जिट करके एक सर्टिफिकेट कोर्स निकल सकता है और छोटी सी जॉब, अपना दुकान खोल सकता है या कोई छोटा सा कारोबार यूज़ कर सकता है, बिकॉज उसमें इतनी क्षमता हो गई है। दूसरा क्या, अगर वो 2 साल पढ़ता है तो 2 साल पढ़ने के बाद अगर उसके ग्रेड सही आते हैं वो डिप्लोमा में हो सकता है, तो उसको सरकारी नौकरियां और उच्च पद पे वो जा सकता है। और तीसरा तो जो नॉर्मल है वो किया जा सकता है। तो हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली में जो IITs का और उच्च संस्थान का ये है कि उन्होंने इस तरह अडॉप्ट किया है कि हम लड़के को संपूर्ण बना करके उसको, अगर वो कमज़ोर भी है तो हम उसको कुछ डिग्री दे करके, छोटी डिग्री दे करके उसको वहाँ से एग्जिट प्रोग्राम लगा दें। तो इससे हमारे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि उससे अच्छा पड़ा, अच्छा असर हुआ है। बिल्कुल सर, जब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की और उसमें मेन फोकस हमारा टेक्नोलॉजी पे रहता है, तो टेक्नोलॉजी को बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमें स्किल्ड टीचर्स चाहिए, वो जिनको खुद ही टेक्नोलॉजी की बहुत बेहतर नॉलेज हो। अगर अभी के वक्त की बात करें तो पूरी एक जनरेशन वो पढ़ाई करेगी, वो जब पास आउट होगी तब वो काफ़ी स्किल्ड होगी और फिर वो पढ़ा पाएगी। लेकिन अगर अभी से ही बात करें तो टीचर्स की स्किल्स पे, उनकी ट्रेनिंग पे, कि वो टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुँचा सके, उन पर क्या काम किया जाए? देखिए जो हमारे हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IITs हुए, आईसर हुए, नाइसर हुए, NITs हुए, तो इनके जो टीचर हैं वो पहले से ही काफ़ी हद तक वो ट्रेंड हैं। अब एक पहले से चला रहा है QIP क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। आज जैसे अगर कोई टीचर जो गांव में पढ़ाता है, अगर वो चाहे कुछ टेक्नोलॉजी को अपने में इंट्रोड्यूस करना चाहता है अपने स्कूल में, लेकिन उसके पास कुछ नहीं, नॉलेज नहीं है, तो वो बड़े संस्थानों को लिख सकता है, वहाँ से 4 महीने का कोर्स कर सकता है, 2 महीने का कोर्स कर सकता है, और करके वो सीख करके अपने बच्चों को पहुँचा सकता है। तो ये एक तरह से ब्रिज हो गया कि हम कैसे गाँव के बच्चे या छोटे शहरों के बच्चों में जहाँ पर वो नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे IIT मद्रास ने NPTEL लॉन्च किया हुआ है। NPTEL इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम में उन्होंने वीडियो बनाए हुए हैं। अगर किसी के पास कुछ नहीं, तो आजकल तो मोबाइल सबके पास है, आपके कंप्यूटर टैब गवर्नमेंट देती है गवर्नमेंट, तो उसमें भी आप लोड करके आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं बच्चे। तो ये दो तरह से, आप जाके भी सीख सकते हैं, आप घर बैठ के भी सीख सकते हैं। तो ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है बड़े इंस्टीट्यूशन का छोटों के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल दर्शकों, बातचीत जारी रहेगी हमारी कि नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा का क्या महत्व है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, हम आज़ादी के 75वें वर्ष में रह रहे हैं, ऐसे में आइए अब देखते हैं कि आज़ादी के यादगार पन्नों में आज क्या खास है। Oh
राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, वह भारत की ही नारी थी। 22 नवंबर 1830 को झांसी के एक कोली परिवार में जन्मी झलकारी बाई ने सिद्ध किया कि मजबूत इरादों और निरंतर प्रशिक्षण से हर असाध्य लक्ष्य को साधा जा सकता है। पिता सैनिक थे तो जन्म के साथ ही हथियारों से दोस्ती हो गई थी। उम्र बढ़ने के साथ ये दोस्ती भी गहरी होती गई। झलकारी बाई की शादी भी एक सैनिक के साथ हुई। एक बार झलकारी बाई किसी अवसर पर रानी लक्ष्मी बाई के सामने गईं, तो रानी हैरान रह गईं। हैरानगी इसलिए क्योंकि झलकारी बाई की शक्ल रानी लक्ष्मी बाई से मिलती थी। उसी दिन से रानी लक्ष्मी बाई और झलकारी बाई में घनिष्ठता बढ़ने लगी। 1857 के क्रांति में झांसी पर अंग्रेजों ने हमला किया। एक सेना नायक ने विश्वासघात किया और झांसी के अभेद्य किले पर खतरा मंडराने लगा। अंग्रेज किले तक पहुंचने में सफल रहे और रानी घिर गई। तब झलकारी बाई ने कहा कि आप जाइए और मैं आपकी जगह लेती हूँ। रानी निकल गई और झलकारी उनके वेश में लड़ती रही। जनरल ह्यूरोज ने झलकारी बाई को पकड़ लिया। अंग्रेज सेना खुश हुई कि उन्होंने रानी को पकड़ लिया। उनकी बात सुन झलकारी बाई हंसने लगी। ह्यूरोज को लगा ये पागल हो गई है। झलकारी बाई के अंत को लेकर तमाम मतभेद हैं। कोई कहता है ह्यूरोज ने झलकारी बाई को छोड़ दिया था, कोई कहता है तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था। झलकारी बाई की कहानी आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। दर्शकों नमस्ते। यूपी में हमारा विषय है नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा का महत्व, और हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा जी जुड़े हुए हैं। डायरेक्टर हैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के। सर एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में कवि कमल किशोर भावुक जी जुड़े हुए हैं। कमल जी एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे और आप चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को शिक्षा से संबंधित थोड़ा उनको विद्या के बारे में और ज़्यादा समझने को मिले, कोई कविता सुनाइए। दोस्तों हम शिक्षित हैं ये कैसे पता चले, कुछ डिग्रियां हमने जोड़ लीं, अपनी प्रोफाइल में कुछ पॉइंट बढ़ा लिए, ये पर्याप्त नहीं है। हमारे आचरण से शिक्षा ध्वनित होनी चाहिए, जुड़नी चाहिए, लगना चाहिए, तब हम देश और समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। आइए कुछ पंक्तियां आपकी सेवा में। और हमने हर समय नई शिक्षा नीति की चर्चा हो रही है, नए ताने बाने की चर्चा हो रही है, हमने हर समय समय पर चुनौतियों का सामना किया है, कई बार किया और आगे भी करते रहेंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व गढ़ती मुश्किलें, व्यक्ति का व्यक्तित्व गढ़ती मुश्किलें, रक्त के संबंध पढ़ती मुश्किलें, जब भगीरथ सा कभी संकल्प जन्मा, रेत पर मुस्कान मढ़ती मुश्किलें, रेत पर मुस्कान मढ़ती मुश्किलें। इसलिए कहना है कि इम्तिहानों से न हरगिज मुँह चुराना चाहिए, बल्कि ऐसे में स्वयं को आजमाना चाहिए। इम्तिहानों से न हरगिज मुँह चुराना चाहिए, बल्कि ऐसे में स्वयं को आजमाना चाहिए। हर किसी को यार जीने का हुनर आता कहाँ, आँख भीगी हो लबों को मुस्कुराना चाहिए। और एक मुट्ठी धूप की खातिर नतर से झोपड़ी, एक मुट्ठी शिक्षा का जो सबसे केंद्रीय भाव है कि एक मुट्ठी धूप की खातिर नतर से झोपड़ी, दूसरा सूरज यहाँ कोई उगाना चाहिए। एक मुट्ठी धूप की खातिर नतर से झोपड़ी, झोपड़ी से लेकर महलों तक जब रोशनी जाए तब हम जानेंगे कि हम शिक्षित हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम विकसित हुए हैं। तो एक मुट्ठी धूप की खातिर तरसती झोपड़ी, दूसरा सूरज यहाँ कोई उगाना चाहिए। आसमां संभव नहीं, धरती शिकारी की हुई, ये परिंदे हैं इन्हें भी आशियाना चाहिए, ये परिंदे हैं इन्हें भी आशियाना चाहिए। इम्तिहानों से न हरगिज मुँह चुराना चाहिए,
और एक प्रतीक के माध्यम से बात कहना चाहूँगा जो आज के विषय को और ज़्यादा ढंग से प्रस्तुत कर सके, कि बांसुरी की जिंदगी से सीख ले ऐ जिंदगी, बांसुरी की जिंदगी से सीख ले ऐ जिंदगी, जख्म सीने में भले हों गुनगुनाना चाहिए, जख्म सीने में भले हों गुनगुनाना चाहिए, इम्तिहानों से न हरगिज मुंह चुराना चाहिए, बल्कि ऐसे में स्वयं को आजमाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा एकदम, दर्शक बिल्कुल आपकी बात के साथ इत्तेफाक रखेंगे कि इम्तिहान वही वक्त होता है जब आप अपने आप को आजमाते हैं। एक बार फिर दर्शकों प्रोफेसर वर्मा का हम रुख कर लेते हैं। सर आप मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज वहाँ के हेड हैं, ये संस्थान कब से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा कर रहा है, और बात की जाए मूल मुद्दे जो कि हमारा है आज का तकनीक या टेक्नोलॉजी, उसमें किस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है? जो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बना वो 1961 में बना, और उस समय देश भर में एक तरह का था कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे विकसित किया जाए, तो 17 रीजनल इंस्टीट्यूट बनाए गए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, और उनका मेन यही था कि वो जो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित विषयों को पढ़ाया जाए। जैसे उसमें जब शुरुआत हुई तो केवल 3 विषयों के साथ शुरू हुई, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के साथ हुई, लेकिन आज जो हमारा मोतीलाल नेहरू संस्थान और बहुत सारे हैं, ये जो रीजनल कॉलेजेस थे वो 2002 में बदल के वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गए, और इसको गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया, और इसको ये लगाया गया कि ये जो है उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बने, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी ही पढ़ के जो है सब्जेक्ट उसको ज़्यादा प्रोत्साहन किया जाए। और इस सब्जेक्ट में अगर आज देखें तो 3 से शुरू हुआ, आज वहाँ पे 14 विषयों में पढ़ाई की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है, अप्लाइड साइंसेज है, फिजिक्स है, मैथ है, और बायोटेक्नोलॉजी है, इन सबको भी किया गया है। तो जो संपूर्ण टेक्नोलॉजी डिफरेंट एरिया में है उसके सब्जेक्ट को पढ़ाया गया। अब इसको किया गया जब वो 2002 से बना, फिर उसके बाद 2007 में एक उत्कृष्ट मापदंड उसमें स्थापित किया गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे लड़कों को डिफरेंट एरिया में हम प्रशिक्षित कर सकें। तो आज हमारा संस्थान जो है बहुत सारी PhD की डिग्रियां देता है, MTech देता है, BTech देता है, तो इससे क्या होता है जो वहाँ पर लड़के के पढ़ के निकलते हैं उनको हर तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है, और दूसरा उनको जॉब में इस तरह स्किल किया जाता है कि अपने क्षेत्र में वो सबसे सर्वोत्तम बने, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ना कि पढ़ाई बल्कि उनको रिसर्च भी सिखाया जाता है, क्योंकि एक कंपोनेंट है रिसर्च। जब तक कि आप लेबोरेटरी या फील्ड में जाके किसी चीज़ को रिसर्च में देखेंगे नहीं, उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपका किताबी ज्ञान जो है वो पूर्णतया कम्प्लीट नहीं होता है, तो इस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बात की PhD डिग्री देने की, हायर एजुकेशन करने की, लेकिन मैं इत्तेफाक इस बात से रखूंगी, भारत जैसे विशाल देश में एक वो वर्ग भी है जो इतनी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकता, लोअर मिडिल क्लास कह ले, निम्न वर्ग कह ले, गरीब वर्ग कह ले, और इसमें मुख्य तौर पे जो बच्चे हाई स्कूल के बाद शिक्षा या तो छोड़ देते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाते, ऐसे में 5वीं से 10वीं तक के लिए इस नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं जो स्किल्ड लेबर को हमारे बढ़ाएँ। हाँ, जो नया विषय है उसमें यही किया गया है कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा कंपोनेंट जो वो प्रैक्टिकल का भी यूज़ किया गया, जैसे हमारे गांव में या छोटे शहरों में इलेक्ट्रीशियन हुआ, फिटर्स हुए, प्लम्बर्स हुए, तो इनकी भी जानकारी छोटे छोटे रूप में उसमें शामिल किया गया है, ताकि अगर लड़का हाई स्कूल के बाद निकल जाए, जैसे हमारे ITI बने थे, तो ITI का मेन उद्देश्य यही था कि जो लड़के कमज़ोर हैं, पैसा उनके पास नहीं है, तो वो छोटी सी टेक्नोलॉजी को सीख करके अपने पूरे जीवन को यापन कर सकते हैं, और उसी को इसमें ज़्यादा एम्फेसिस की गई है इस नई शिक्षा प्रणाली में, ताकि लड़के जो हैं थोड़ा सा, जिनकी जो कमज़ोर लड़के हैं या निम्न वर्ग के लड़के हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, गरीब लड़के हैं, उनको टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा कंपोनेंट सिखा दिया जाए, ताकि वो पूरा जीवन अपना निभा सके उसमें, तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे कृषि के क्षेत्र में, जैसे हम बच्चों को दिखाना, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा, बिकॉज बिना फूड किए हुए
हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने कृषि को नहीं छोड़ना चाहिए, और ये भी इसमें दिया हुआ है इस नई शिक्षा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमें पैदावार बढ़ानी है, हमारे जो स्पेस है वो कम होता चला जा रहा है, तो हम कौन सी ऐसी विकसित कर सकें टेक्नोलॉजी ताकि हम कम भूमि में ज़्यादा पैदावार कर सकें, तो इसमें भी इसमें जोर दिया। और इसके लिए वो निम्न वर्ग के लड़के होते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे हमें, हम आपको बता दें कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना, पढ़ाई का मतलब है ज्ञान जो इससे आप पूरी ज़िंदगी सृजन कर सकें, उसमें पढ़ा सकें। तो ये जो है इस शिक्षा नीति में इस पर बहुत ज़्यादा कौशल विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया। बिल्कुल सर, कौशल विकास से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, आज भी हमारे देश का जो वो युवा है जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में, आप कहें कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स, इनके लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने का रुख करता है, देश की जो क्रीम है उसका बाहर जाना, देश का ब्रेन ड्रेन होना, क्या हमारे देश के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी पढ़ाई कुछ कमतर है, या क्या वजह है कि आज भी जो युवा है बाहर का युग करते हैं? अगर सच्चाई देखी जाए तो कुछ कमियां तो हैं हम में और कुछ अच्छाइयां भी हैं। कमियां क्या हैं कि हम लोग एक जो दूसरा विकसित देश जिसे हम बोलते हैं, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, उसकी जो चकाचौंध है उसमें हम लोग ज़्यादा जाते हैं, लेकिन जो मूलभूत है, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। हमारे यहाँ जैसे हम एक, अगर हम मेडिसिन की बात करें, हम 5 साल में मेडिसिन करते समय इतने पेशेंट देख लेते हैं और इतना हमें तजुर्बा हो जाता है उस सब्जेक्ट का, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एक सही ढंग से देखना, उसको जो करने की जो हमारी वो क्षमता है वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने टेक्निक डेवलप की है। तो थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन अंतर इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारे देश के युवा नहीं जा सकते। अब आप देखिए, पिछले दशकों में बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स लौट के आए हैं और यहाँ पर उन्होंने उतना ही विकसित किया हुआ है जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में। अगर आप जाएं देखें, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें अगर आप अंदर जाएं तो आपको ये नहीं पता चलेगा आप अमेरिका में हैं, US में हैं, यूरोप में या इंडिया में हैं, और सारी टेक्नोलॉजी जो है जो बाहर होती वही यहाँ पर विकसित है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बता रहे हैं, जैसे हम बायोटेक्नोलॉजीज हैं, मतलब हमने बायोकेमिस्ट्री में किया है। अब बायोटेक्नोलॉजी में जो हम काम करते हैं, जो हमारे ड्रग विकसित होती हैं, अगर वो देखें इस कोरोना पीरियड में हमने जो करके दिखाया है वो बहुत ही अप्रत्याशित है। पूरा वर्ल्ड जो है भारत को देख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर के जो ब्रेन ड्रेन की बात होती है कि हमारे सब जा रहे हैं, लेकिन जो रहना चाहे, जो करना चाहे, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं हमारे हिंदुस्तान। एक कमी है डेडिकेशन की और देश प्रेम की। अगर वो भावना ज़्यादा है तो हम समझते हैं कि पिछले अगले आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत जो है, किसी दुनिया से कम नहीं रहेगा किसी भी क्षेत्र में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जज्बे को अपने अंदर लाने की कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम अपने देश के बारे में सोचें। सर, हम नई शिक्षा नीति और उसमें तकनीक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अगर मूल्यांकन करने के लिए मैं आपसे कहूँ कि कितना रोज़गार सृजन होगा, कितने जो हमारे युवा हैं उनमें जो कौशल विकास होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, कितना दूर तक आप देखते हैं इसका प्रभाव पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि जो शिक्षा नीति जिसे अभी इस साल, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में भी नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो गई है, तो उसके तहत जो है अब आने वाले 5 वर्षों में इसका मतलब जो इफ़ेक्ट है वो दिखेगा हमें। और हम समझते हैं कि जो मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो भारत सरकार कर रही है और जो प्रोत्साहन दे रही है, जो छोटे लघु उद्योगों पर जो विकास दिया जा रहा है, फार्मा सेक्टर्स में क्या कहते हैं, और असेंबली सेक्टर में एरोडायनेमिक मतलब जैसे बोलते हैं ना, एवियोनिक में वो जो सेक्टर है उसमें जो हो रहा है, उससे क्या होता है कि पिछले नेक्स्ट 10 सालों में हमें उसका देखने को, और 10 सालों में इतनी ज़्यादा प्रगति होगी कि किसी को रोज़गार पाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी हम देखते हैं यूपी की बात जब करें, यूपी में फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो बहुत कम है, लेकिन जो हमारी सरकार की नीतियाँ उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो कम से कम, और उसके अलावा
जो हमारी जो असेंबली लाइंस हैं, ट्रेन्स हैं, प्लेन्स हैं और अदर एरियाज़ हैं, उनमें भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आप देखिएगा कि जो आने वाले 10 सालों में हमारा देश में और जॉब की जो क्या कहते हैं ग्रोथ होगी वो अप्रत्याशित होगी। हमें नहीं लगता है कि जो आदमी काम करना चाहेगा और अच्छी पढ़ाई करेगा और उसमें एक क्षमता होगी रोजगार की, उनको जो अवसर मिलेंगे वो उनमें कोई कमी नहीं होने वाली है। तो जो ब्रेन ड्रेन की बात आती है, हमें लगता है कि ये जो कदम नई शिक्षा नीति का है वो उसको रोकने में कुछ हद तक सफल होगा। सर अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, इनमें इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, और लगता है आपको दोनों में एक समानांतर ये चीज़ चलेगी जिससे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन तक शिक्षा का सबसे जो बेहतरीन उनको उन तक शिक्षा पहुँचाना, विद्याधन पहुँचाना, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे? हमें लगता है कि ये एक पैरेलल थिंग जो गवर्नमेंट और प्राइवेट की चली है, ये जो कंपटीशन है ये बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं गवर्नमेंट में हमारे पास थोड़ी सी क्षमता कम होती है, या कहने लगे जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, प्राइवेट में उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर देखें तो शिक्षा नीति के तहत गवर्नमेंट और प्राइवेट में हमें नहीं लगता कि कोई डिफरेंस रहेगा, बिकॉज जो NEP है वो सबके लिए कॉमन रहेगी। सारी जो हमारे कोर्सेज हैं उनका जो डेवलपमेंट है, रोजगार के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो दोनों में बराबर रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का फ़र्क इसलिए पड़ेगा कि वहाँ पे जो है एक तरह का डिसिप्लिन ज़्यादा है वर्सेस द गवर्नमेंट में, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की बात रखें तो वही स्टूडेंट्स यहाँ भी अच्छा करते हैं, वहीं स्टूडेंट वहाँ भी करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ कि अगर जो लड़के यहाँ से BTEC करते हैं, चाहे वो NIT से करें, चाहे IIT से करें, चाहे वो प्राइवेट संस्थान से करें, MS करने के बाद अगर US यूनिवर्सिटी में जाएं तो 50-50% से लड़के दोनों जगह वही लड़के वहाँ जाके मिल जाते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि शिक्षा का जो है लड़का, अगर लड़का पढ़ने में अच्छा है, पढ़ना चाहता है तो कहीं भी पढ़े वो आगे बढ़ सकता है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सर, अगर थोड़ा सा यहाँ पे ये बात करें कि नई शिक्षा नीति में क्या इतना लचीलापन रखा गया है, कोई बच्चा अगर इकोनॉमिक्स ऑप्ट करता है लेकिन इतना अच्छा नहीं है मैथ्स में, थोड़ा वो टेक्निकल भी पोर्शन लेना चाहता है, दोनों का मिक्सचर वो कर सके। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, यही नई शिक्षा नीति का मूल मतलब वो है, सार है कि लड़के की जो व्यवस्था ऐसी की गई है कि लड़का कभी भी इंटर कर सकता, कभी भी एग्जिट कर सकता है इस प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स लेने में भी उसकी, वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, वो इवन सोशल सब्जेक्ट ले सकता है, सोशल सब्जेक्ट के जितने भी हैं, योगा के हैं और आयुर्वेदा के हैं, वो सब चीज़ें लेके क्रेडिट इकट्ठे कर सकता है। तो हमारा जो क्रेडिट पॉइंट जो बनाया गया है शिक्षा नीति में कि आप इतने क्रेडिट का कोर्स कर लीजिए आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन हाँ कुछ कोर कोर्सेज हैं, कुछ एडिशनल कोर्सेज जिसे हम इलेक्टिव बोलते हैं, तो आप अगर चाहें तो अपने विकास के लिए और भी चीज़ें उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये जो शिक्षा नीति का जो पहलू है ये बहुत ही अच्छा है कि हमें क्रेडिट, तो इसमें क्या होता है बच्चे का जो विकास होता है, जैसे रुचि है, जैसे हमें गेम्स में रुचि है लेकिन हम पढ़ने में इतना मशगूल रहते हैं कि हम गेम्स की तरफ जा ही नहीं पाते हैं, तो इस शिक्षा नीति में है ये भी है कि आप गेम्स खेल करके उसके भी क्रेडिट इसमें ऐड करके आपको डिग्री मिल सकती है। बिल्कुल दर्शकों, हमने बात की नई शिक्षा नीति पे और उम्मीद करते हैं कि हमने आप तक सही जानकारी पहुंचाई होगी, और इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। कमल किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक इतनी बेहतरीन कविताएँ पहुँचाने के लिए। और दर्शकों, इसी के साथ नमस्ते UP के आज के इस खास अंक से मैं आपसे विदा लेती हूँ।